नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल उत्तराखंडी बांध में। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको लेके जाएंगे डांडा नागराजा के दर्शन करने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी ऑफ डांडा नागराजा उत्तराखंड। तो बात कुछ ऐसी है कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी में स्थित ये मंदिर डांडा नागराजे के नाम से जाना जाता है। वेनलसी पट्टी में स्थित यह मंदिर पौड़ी से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक अवतार नागराज की बहुत मान्यता है और पूरे पौड़ी जिले में और गढ़वाल क्षेत्र में श्री कृष्ण जी के यह मंदिर आस्था के लिए प्रमुख केंद्र माना जाता है। नागराज का प्रमुख धाम उत्तरकाशी के सेम मुखेम में है, पर कहा जाता है कि सेम मुखेम और ये मंदिर एक ही समान है। तो अब हम जानेंगे कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को यह जगह इतनी भा गई कि उन्होंने यहाँ पर नागदेव का रूप लेकर लोट लोट कर परिक्रमा शुरू कर दी। तभी से यह मंदिर डांडा नागराज के रूप में जाना जाता है। नाग और सांपों को महाभारत में ऋषि कश्यप और दक्ष प्रजापति कद्रु की संतान बताया गया है। कांफल, बुरांस और बांझ के घने पेड़ों से घिरा यह मंदिर पौड़ी जिले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। यह मंदिर पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप चंद्रबदनी, टेरी भैरव गढ़ी, कीर्तिखाल, महाबागढ़, यमकेश्वर और कंडोलियापुरी की पहाड़ियों के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। यहां के मूल निवासियों का कहना है कि यह मंदिर लगभग 140 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। यहाँ के लोगों के अनुसार डांडा नागराज कोट विकास क्षेत्र के प्रमुख चार गांवों का प्रसिद्ध धाम है। इसका इतिहास 140 वर्ष पुराना है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ से जुड़ी एक कथा भी है जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। 140 साल पहले लसेरा गांव में घुमाल जाति के पास एक दुधारू गाय हुआ करती थी, जो कि डांडा में जाके एक पत्थर को रोज़ दूध से नहलाती थी। तो जिसकी वजह से घर वालों को दूध मिल नहीं पाता था और उन लोगों को गुस्सा आ गया। तो गुस्से में आकर जो परिवार का मुखिया था, गाय का मालिक था, उसने एक दिन उस गाय पे कुल्हाड़ी चला दी। तो गाय को कुछ हुआ नहीं, गाय तो बच गई, पर जिस कुल्हाड़ी से उसने गाय पे वार किया था वो कुल्हाड़ी जो एक पत्थर से टकरा गई, तो उस पत्थर के दो टुकड़े हो गए और एक टुकड़ा आज भी डांडा नागराज में मौजूद है, देखा जा सकता है। और इस क्रूर घटना के बाद घुमाल जाति पूरी तरह से समाप्त हो गई। मंदिर में लगने वाले मेले के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। यहाँ दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु और देश विदेश के पर्यटक इस मंदिर के आकर्षण को देखने आते हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत ज़्यादा मान्यता वाला माना जाता है। तो जब जब लोगों की यहाँ पे मान्यता पूरी होती है, मन्नतें पूरी होती हैं, तब वो लोग यहाँ पे झंडा और घंटी बांध के जाते हैं। यहाँ पे लगने वाला मेला बैसाखी के टाइम अप्रैल के महीने 13 और 14 तारीख को लगता है और यहाँ पे हर साल पुजारी भी बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप ज़रूर आइए, यहाँ के दर्शन कीजिए
ये बहुत 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 ही खूबसूरत जगह है और यहाँ की मान्यता बहुत है, भगवान आप सबकी मन्नतें पूरी करे। तो अब यहाँ पहुँचा कैसे जाए, अगला सवाल ये है। तो आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। अगर आप यहाँ पे लोकल हैं तो आप यहाँ पे अपने पर्सनल वाहन या टैक्सी करके आ सकते हैं, बट अगर आप रेल सेवा से आना चाहें तो रेल सेवा यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर कोटद्वार से तक ही आपको रेल सेवा मिल पाएगी। उसके बाद अगर आप हवाई सेवा से आना चाहते हैं तो हवाई सेवा आपको लगभग 131 किलोमीटर दूरी पर जॉली ग्रांट है देहरादून में, वहाँ से आप आ सकते हैं। तो आप जिस तरह से कन्वीनियंट लगे आपको आइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।